वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज हमारा हिंदुस्तान सूरवीरों की वीरता के लिए, सतियों के सत के लिए एवं देवी देवताओं के चमत्कारों के लिए पूरे विश्व में अग्रणी है। ऐसा ही एक करिश्मा दिल्ली की रहने वाली एक महिला के साथ हुआ। इस करिश्मे का एक एक शब्द सत्य है एवं शिक्षा प्रद है। वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करण वो लागी इससे, प्यार करण वो लागी इससे, अपने पुत्र समान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में। दिल्ली की रहने वाली थी, दिल्ली में ही शादी हुई, ससुराल आ गई किंतु वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। बच्चे हो गए, बच्चे बड़े होने के बाद बच्चों की भी शादी हो गई, परंतु वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। लेकिन जब बुढ़ापा आ गया, चलने फिरने में असमर्थ हो गई, तो आखिरी बार वृंदावन गई और वहां से अपने लला की मूर्ति ले आई। वो अपने कृष्ण लला को कलेजे लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, कलाड लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, कलाड लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे,
कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में। जन्माष्टमी का दिन आया, दुर्भाग्य से बुढ़िया माई की तबीयत खराब हो गई। अपने बेटे बहू से बोली, बेटा मेरे लला को दूध से स्नान करा दो, माखन मिश्री का भोग लगा दो एवं चंदन खिसकर चंदन का लेप लगा दो, और आज इसका जन्मदिन है, इसके कपड़े भी बदल दो। एक साथ इतना सारा काम बेटे बहू को झंझट से लगने लगे, किंतु माँ की तबीयत खराब देख के बेमन से काम में लग गए। कपड़े बदलने के लिए जो ही मूर्ति को उठाया, अचानक मूर्ति हाथ से गिर गई। बगल के कमरे में माँ बैठी थी, उसके कलेजे को धक्का सा लगा। माँ का दिल जान गया कोई अनहोनी हुई है। पूछने पर बेटे बहू ने बताया, माँ कोई खास बात नहीं है, कपड़े बदलते समय मूर्ति हाथ से छूट गई थी, उठाकर वापस रख दी है, चिंता नहीं करना। इतना सुनकर माँ का कलेजा फट गया, सन्न रह गई। बोली, बेटा तू कहता है कोई खास बात नहीं है, मेरा छोटा सा लल्ला इतनी ऊपर से गिरा, पता नहीं कहां कहां चोट आई होगी, पता नहीं मेरा लल्ला सही सलामत है या नहीं। अपने बेटे बहू से बोली, वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, रोते रोते पागल हो गई। घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में। माँ डॉक्टर बुलाने के लिए जिद करने लगी। बेटे बहू ने लाख समझाया पर माँ नहीं मानी। बेटा जोर से बोला, माँ तू पागल हो गई है, एक मूर्ति के लिए डॉक्टर बुला रही है, पड़ोसी देखेंगे डॉक्टर को और ये सारा किस्सा सुनेंगे तो हंसेंगे और कहेंगे माँ तो पागल है ही, बेटे बहू भी पागल है। माँ
के कहने में आकर मूर्ति के लिए डॉक्टर बुलाया है। बुढ़िया माई का रोना धोना सुनकर पड़ोसी इकट्ठे हो गए। घर में बहसबाजी हो रही थी। जब पड़ोसियों ने पूछा तो बेटे ने बताया, क्या बताऊं भाई साहब, मेरी माँ जरा सी पागल हो गई है। वृंदावन गई थी, वहां से एक लड्डू गोपाल की मूर्ति ले आई। कहती है, ये मेरा सबसे छोटा लल्ला है। आज सुबह जब मैंने कपड़े बदलने के लिए मूर्ति को उठाया तो अचानक मूर्ति छूट गई। अब माँ कहती है डॉक्टर को लेके आ। आप ही बताइए भाई साहब, समाज में हंसी होगी और इस मूर्ति के लिए डॉक्टर को लेने गया तो डॉक्टर भी हंसेगा। पड़ोसियों में एक बूढ़ा पड़ोसी बड़ा समझदार था। उसने बेटे को समझाया, देख बेटा, बुढ़ापे में और बचपन में कोई फर्क नहीं होता। तुम्हारी माँ के दिमाग में अगर बहम हो गया है तो बहम निकालना बहुत जरूरी है। दिन भर के झगड़े से अच्छा है तू इसकी बात मान ले। यही बगल में डॉक्टर रहता है, तू सारी बात डॉक्टर को समझा और फीस वहीं पर दे दे। तेरी माँ तेरी बात नहीं मानेगी, परंतु डॉक्टर आकर समझाएगा तो उसकी बात मान जाएगी। घर का झगड़ा भी खत्म हो, तेरी माँ का बहन भी खत्म। बेटे को बात समझ में आ गई, डॉक्टर के पास गया, फीस पहले ही दे दी और वो सारी बात डॉक्टर को बताई जो पड़ोसियों को बताई थी। डॉक्टर को बात समझ में आ गई, फीस पहले ही मिल गई थी। डॉक्टर तुरंत तैयार हो गया। डॉक्टर घर पर आया और उस मूर्ति को दूर से ही देखकर बोला, छुआ भी नहीं, बना पीतल से मैया ये तेरा श्याम सलोना, बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना। सारी दुनिया में ढूंढो बहम की दवा नहीं है, चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है। चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है। केवल तेरी ममता है ये, केवल तेरी ममता है ये, मूर्ति है बेजान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में। डॉक्टर की बात सुनकर बुढ़िया माई ने कहा, डॉक्टर क्या उम्र हो गई तेरी। डॉक्टर सुनकर हक्का बक्का हो गया, बोला, माई 65 साल। माँ बोली, डॉक्टर तूने जिंदगी के 65 साल बेकार कर दिए। तूने इतना भी नहीं सीखा कि मरीज को देखे बिना रोग पकड़ में नहीं आता। तूने मेरे लल्ला को दूर से ही देखकर कह दिया कि ये पीतल की मूर्ति है, कम से कम चेकिंग तो करता। डॉक्टर को अपनी गलती का एहसास भी हुआ और थोड़ा गुस्सा भी आया। उसने कहा, ले माई तेरा बहम निकाल देता हूं। उसने मूर्ति के माथे पर हाथ रखा और कहा, बोल माई क्या है। कुछ नहीं है। उसने मूर्ति के सीने पर हाथ रखा, कहा, बोल माई क्या है। कुछ नहीं है। उसने मूर्ति की नब्ज पकड़ी और बोला, बोल माई क्या है। कुछ नहीं है। तब बुढ़िया माई बोली प्यार से, देख डॉक्टर, मेरा लल्ला
अभी बहुत छोटा है और तू बूढ़ा हो गया है। हो सकता है मेरे बेटे की नबज धीरे चल रही हो, सीना धीरे से धड़कता हो, तू हाथ से नहीं पकड़ पा रहा हो, माँ की ममता है नहीं मानती। तू मेरा बहम निकालने के लिए एक काम कर दे, अपनी बक्सा में एक मशीन रखता है, बुढ़िया माई को स्टेथोस्कोप का नाम नहीं मालूम था, वो मशीन धीरे से धड़कने वाली धड़कन भी पकड़ लेती है। एक बार उस मशीन से चेकिंग कर दे, मेरा बहम निकल जाएगा। डॉक्टर ने फीस ली थी, उसका फर्ज बनता था कि जैसे घर वाले बोले उनकी बात माने, चेकिंग तो करनी पड़ेगी। डॉक्टर ने बेमन से स्टेथोस्कोप निकाला, अपने दोनों कान में लगाकर गोल वाला चक्कर मूर्ति के सीने पर रख दिया। आगे क्या हुआ सुनिए। जो ही सीने से लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया। उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया। देख ये अद्भुत माया, रह गया हक्का बक्का, पसीना लगा पहुँचने, छूट गया उसका छक्का। पसीना लगा पहुँचने, छूट गया उसका छक्का। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है का सीना धड़क रहा था। डॉक्टर के होश उड़ गए, हाथ कांप रहे थे, मन में सोच रहा था अभी तक तो बुढ़िया माई को बहम था, कहीं मुझे तो बहम नहीं। उसने सैकड़ों बार चेकिंग की, धड़कन चल रही थी। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप अपने कान से निकाला और पसीने से लथपथ जमीन पर बैठ गया। बुढ़िया माई ने पूछा, डॉक्टर कुछ समझ में आया, मेरे लल्ला को क्या हुआ, अब तो ठीक है? डॉक्टर ने बड़ी हिम्मत बटोर कर कहा, मैया मैं डॉक्टर हूँ, नबज़ देखकर सारी बीमारी पकड़ लेता हूँ। मैया मुझे सारा माजरा समझ में आ गया है, जो कन्हैया के दिल की धड़कन सुन ले उसकी आत्मा में तो ज्ञान हो ही जाता है, डॉक्टर को भी ज्ञान हो गया था। माँ तू ये मत सोचना कि मूर्ति तेरे बेटे बहू के हाथ से गिर गई, बेटे बहू को दोष मत देना, उन्हें नहीं डांटना। माँ तेरा लल्ला कैसे गिरा ये डॉक्टर जान गया है, मेरी बक्सा में ऐसी कोई दवाई नहीं जो तेरे लल्ला के लिए बनी हो। डॉक्टर को आत्मा में ज्ञान होने से उसने बड़ी भक्तिपूर्ण और भावनापूर्ण बात माँ को बताई कि माँ इसकी एक ही दवाई है जो किसी डॉक्टर के पास नहीं, माँ वो सिर्फ तेरे पास है। माँ से मिलने की खातिर ये लल्ला मचल गया था, तुम्हारी गोद में आने जरा सा उछल गया था, तुम्हारी गोद में आने जरा सा उछल गया था। तू इसको गोद में ले ले, लाल मुस्काने लगेगा, गोद में खुद भी नाचे,
भी नचाने लगेगा। कसके पकड़ियो लल्ला तेरा, कसके पकड़ियो लल्ला तेरा, थोड़ा सा शैतान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में। डॉक्टर इतना कहकर उठा, ब्रीफ केस वहीं छोड़ी, स्टेथोस्कोप वहीं पड़ा रहा, जो फीस पहले से ही लेकर जेब में डाली थी निकाल कर गद्दे पर पटक दी और जाने लगा। बुढ़िया माई बोली, डॉक्टर अपना सारा सामान छोड़कर कहाँ जा रहा है, कम से कम अपनी बक्सा तो लेते जा। डॉक्टर पलट कर बोला, माई अब इस सामान की मुझको जरूरत नहीं पड़ेगी, अब ये मेरे लिए बेकार है। और डॉक्टर आंख में आंसू भरकर बोला, देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूं, जहां से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूं, कर तुमने मुझको बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। एक एहसान कर दे तेरे लल्ला से कह दे, वही वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण दे दे, वही वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण दे दे। बनवारी माँ तू नहीं पागल, बनवारी माँ तू नहीं पागल, पागल सारा जहान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में। और इस करिश्मे को सुनकर इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि माँ की ममता के आगे देखो भगवान हारे, एक पत्थर की मूर्ति देखो किलकारी मारे, सच्ची जो दिल में प्यार होगा हमेशा इस धरती पे यूं चमत्कार होगा, हमेशा इस धरती पे यूं चमत्कार होगा। मैया तुमको तेरे लला को, मैया तुमको तेरे लला को, कोटिन कोटि प्रणाम, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान।
वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है।